सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कंपैरिजन सीरीज की एक नए एपिसोड में। इस सीरीज में हम अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को कंपेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दो फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स को कंपेयर करने वाले हैं। आज हम इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 30 एमकेआई के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 फाइटिंग फाल्कन्स को कंपेयर करने वाले हैं। अगर कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होता है तो ये दोनों एयरक्राफ्ट हेड टू हेड एक दूसरे का सामना करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, उसके बाद हम इनकी VVR और क्लोज रेंज डॉग फाइट को सिमुलेट करेंगे और ये पूरी तरह से इनकी स्पेसिफिकेशंस पर आधारित होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुखोई 30 एमकेआई से शुरुआत करते हैं। सुखोई 30 एमकेआई एक रशियन ओरिजिन ट्विन इंजन मल्टीरोल एयर सुपियोरिटी फाइटर है जिसे सुखोई के द्वारा डिजाइन किया गया है और अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ये एक हैवी ऑल वेदर लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें इंडिया ने अपने हिसाब से काफी सारे चेंजेस किए हैं और इसमें फ्रेंच और इजरायली एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके ज्यादातर फीचर्स SU-35 से सिमिलर हैं। सुखोई 30 एमकेआई की पहली फ्लाइट 2000 में कंप्लीट हुआ था और उसके बाद इसे 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे प्राइमरीली इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और अभी तक इंडियन एयरफोर्स में करीब 249 सुखोई 30 एमकेआई जेट्स को इंडक्ट किया जा चुका है। आज के डेट में इसकी एक यूनिट की कॉस्ट करीब $62 मिलियन है। अब पाकिस्तान की F-16 फाइटिंग फाल्कन्स के बारे में बात करते हैं। F-16 फाइटिंग फाल्कन एक सिंगल इंजन मल्टीरोल एयर सिक्योरिटी फाइटर है जिसे पहले एक एयर सिक्योरिटी फाइटर के तौर पर डिजाइन किया गया था, बाद में इसे मल्टीरोल स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया गया। इसे जनरल डायनामिक्स के द्वारा डेवलप किया गया था और अब इसे लॉकहीड मार्टिन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इसकी पहली फ्लाइट 1974 में कम्प्लीट हुआ था और इसे 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, लेकिन अभी इसे वर्ल्ड में करीब 25 से भी ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान के पास करीब 76 F-16 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। F-16 की प्रोडक्शन 1973 से शुरू हुआ था और अभी तक इसके करीब 4,570 से भी ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं और आज की डेट में इसकी एक यूनिट की कॉस्ट करीब $34 मिलियन है। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। सुखोई 30 एमकेआई को ऑपरेट करने के लिए दो पायलट्स की जरूरत पड़ती है। इसका लेंथ 21.9 मीटर, विंग स्पैन 14.7 मीटर और हाइट 6.36 मीटर है। F-16 को ऑपरेट करने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ती है। इसका लेंथ 15.06 मीटर, विंग स्पैन 9.96 मीटर और हाइट 4.88 मीटर है। सुखोई 30 एमकेआई का एम्प्टी वेट करीब 18,400 केजी है, लोडेड वेट 26,090 केजी और यह मैक्सिमम 38,800 केजी के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। F-16 का एम्प्टी वेट करीब 8,570 केजी, लोडेड वेट 12,000 केजी और यह मैक्सिमम 19,200 केजी के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। सुखोई 30 एमकेआई में दो AL-31FP टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं जो कि आफ्टर बर्नर के बिना करीब 150 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ करीब 246 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। F-16 में जनरल इलेक्ट्रिक की F110G129 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आफ्टर बर्नर के बिना 76 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ करीब 127 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अब इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। सुखोई 30 एमकेआई का मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 तक है। इसका रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इसका कॉम्बैट रेडियस करीब 1300 किलोमीटर तक है और इसका फेरी रेंज 8000 किलोमीटर तक है। F-16 का मैक्सिमम स्पीड भी करीब मार्क 2 तक है। इसका फेरी रेंज 4220 किलोमीटर तक है और इसका कॉम्बैट रेडियस करीब 550 किलोमीटर तक है। SU-30 एमकेआई का सर्विस सीलिंग 17,300 मीटर तक है। ये 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्लाइम कर सकता है। इसका थ्रस्ट बाय वेट रेशियो 0.96 का है और ये मैक्सिमम प्लस 9G तक का जी लोड बियर कर सकता है। F-16 का सर्विस सीलिंग 15,240 मीटर तक है। ये 254 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्लाइम कर सकता है। इसका थ्रस्ट बाय वेट रेशियो 1.09 का है और ये मैक्सिमम प्लस 9G तक का जी लोड बियर कर सकता है। अब इन दोनों की अर्मामेंट के बारे में बात करते हैं। सुखोई 30 एमकेआई में प्राइमरी वेपन के तौर पर एक 30mm का ऑटो कैनन लगा हुआ है। इसमें टोटल 12 हार्ड पॉइंट हैं जिनमें यह रॉकेट, मिसाइल और बॉम्ब को कैरी कर सकता है।
F-16 में प्राइमरी वेपन के तौर पर एक 20 mm का कैनन लगा हुआ है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें से ये 8 हार्ड पॉइंट्स में वेपन्स को कैरी कर सकता है। एयर टू एयर कैटेगरी में सुखोई 30 MKI, R-77 अस्त्र, R-27, R-73 और K-100 मिसाइल को फायर कर सकता है। वहीं पर F-16 एयर टू एयर कैटेगरी में M-7 स्पैरो, M-9 साइड वाइंडर, M-120 एमराम, IRIST, पाइथन 4 और पाइथन 5 को फायर कर सकता है। लेकिन पाइथन सीरीज की मिसाइल को शायद ही पाकिस्तान हासिल कर पाएगा, क्योंकि ये इसराइल ओरिजिन से है। एयर टू सरफेस कैटेगरी में सुखोई 30 MKI, KH-59ME, KH-29TL और ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर सकता है। वहीं पर एयर टू सरफेस कैटेगरी में F-16 AGM-65 मैब्रिक, AGM-88 और AGM-158 को फायर कर सकता है। एंटी शिप मिसाइल की कैटेगरी में सुखोई 30 MKI, KH-59MK, KH-35, KH-31 और ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर सकता है। F-16 एंटी शिप मिसाइल की कैटेगरी में AGM-88 और AGM-119 को फायर कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI DRDO की एंटी रेडिएशन मिसाइल और KH-31P मिसाइल को भी फायर कर सकता है। साथ ही ये करीब 6 तरह के बॉम्ब्स को फायर कर सकता है। F-16 एक वाइड वैरायटी के बॉम्ब्स को फायर कर सकता है और ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है। अब इनकी एवियोनिक्स के बारे में बात करते हैं। मेन एवियोनिक्स सिस्टम की बात करें तो सुखोई 30 MKI में N-011M PSR रडार लगा हुआ है, जिसकी सर्च रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये 5 मीटर स्क्वायर की टारगेट्स को करीब 200 किलोमीटर की दूर से डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही इसमें OSL-30 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी रेंज करीब 90 किलोमीटर तक है और इसकी मदद से सुखोई 30 MKI स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI में ELM-822 जैमर और DRDO की रडार वार्निंग रिसीवर भी लगा हुआ है। F-16 में APG-68 रडार लगा हुआ है, जिसकी मैक्सिमम सर्च रेंज 296 किलोमीटर तक है और ये 5 मीटर स्क्वायर की टारगेट को करीब 105 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही इसमें भी ECM और टारगेटिंग पोर्ट्स को दिया गया है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में सुखोई 30 MKI F-16 से काफी बेहतर है, क्योंकि ये एक ट्विन इंजन जेट है और F-16 से साइज में काफी बड़ा है, तो ये F-16 के मुकाबले काफी ज्यादा लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसका रेंज, सर्विस सीलिंग और रेट ऑफ क्लाइंब भी F-16 से काफी बेहतर है। डॉग फाइट पर जाने से पहले हम इनकी VVR मिसाइल्स को कंपेयर कर लेते हैं। सुखोई 30 MKI की VVR मिसाइल R-77 की रेंज करीब 193 किलोमीटर तक है, अस्त्र मिसाइल की रेंज करीब 110 किलोमीटर तक है, R-27 मिसाइल की रेंज करीब 130 किलोमीटर तक है, R-73 मिसाइल की रेंज करीब 40 किलोमीटर तक है और K-100 मिसाइल की रेंज करीब 400 किलोमीटर तक है। F-16 की VVR मिसाइल M-120 की रेंज करीब 180 किलोमीटर तक है, लेकिन पाकिस्तान इसकी सी वेरिएंट को इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज करीब 105 किलोमीटर तक है। इसके अलावा M-7 स्पैरो की रेंज करीब 70 किलोमीटर तक है, M-9 साइड वाइंडर का रेंज करीब 35 किलोमीटर तक है और IRIST की रेंज करीब 25 किलोमीटर तक है। अब VVR डॉग फाइट की बात करते हैं। F-16 का रडार क्रॉस सेक्शन करीब 1.5 मीटर स्क्वायर है और सुखोई 30 MKI 1.5 मीटर स्क्वायर के टारगेट्स को करीब 140 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है। वहीं पर सुखोई 30 MKI की रडार क्रॉस सेक्शन करीब 3.5 से 4 मीटर स्क्वायर के बीच है और F-16 5 मीटर स्क्वायर की टारगेट को 105 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है, तो ये सुखोई 30 MKI को करीब 80 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो बेहतर लॉन्ग रेंज मिसाइल और बेहतर डिटेक्शन रेंज की वजह से VVR डॉग फाइट में सुखोई 30 MKI के पास क्लियर एडवांटेजेस है। अब क्लोज रेंज डॉग फाइट की बात करते हैं। सुखोई 30 MKI अपने 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन की वजह से दुनिया की सबसे बेहतरीन मैनेवरेबल एयरक्राफ्ट में गिना जाता है और सुखोई 30 MKI F-16 से काफी ज्यादा मैनेवरेबल है। इसकी सर्विस सीलिंग, रेट ऑफ क्लाइंब जैसे पैरामीटर्स भी F-16 से बेहतर है, तो क्लोज रेंज डॉग फाइट में भी F-16 सुखोई 30 MKI का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये सब अंदाजा लगाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि 2004 में इंडियन एयरफोर्स ने अपने सुखोई 30 MKI जेट्स को यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के साथ कोप इंडिया एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था, जहां पर मॉक ड्रिल के दौरान एक सुखोई 30 MKI के मुकाबले 3 F-15 ईगल्स और F-16 को उतारा गया था और उस दौरान सुखोई 30 MKI ने 90% विन रेट को हासिल किया था, जबकि 2004 की सुखोई 30 MKI और अब की सुखोई 30 MKI में काफी अंतर है। तब इसे SU-30MK कहा जाता था। तो दोस्तों, ये थी इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 30 MKI और पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 फाइटिंग फाल्कन के बीच एक हेड टू हेड कंपैरिजन।
आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।